हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। पीएम मोदी यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। जी हाँ, भारत ने रविवार को अपनी बारी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता की और महीने के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। भारत ने फ्रांस से अध्यक्षता पद ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की भारत की अध्यक्षता के दौरान बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पेगासस जासूसी कांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र से पूछा, आखिर संसद में इस मुद्दे पर बहस से क्यों डर रही है सरकार। जी हां, पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को लगातार घेर रही हैं, लेकिन सरकार संसद और संसद के बाहर इस मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार के विरोध में उतर आई है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा कि संसद में पेगासस पर बहस करने से सरकार क्यों डरती है, आप क्या छिपाना चाहते हैं, हम संसद चलाने को तैयार हैं लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। ट्राई ने कहा, रिलायंस जियो से मई में जुड़े 35.5 लाख नए सब्सक्राइबर्स, एयरटेल से यूजर्स घटे। जी हां, भारतीय टेलीकॉम मार्केट में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन यूजर बेस के मामले में जियो टॉप पर है। अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए रिलायंस जियो लगातार नए सब्सक्राइबर्स जोड़ रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से शेयर किए गए नए डेटा में बताया गया है कि मई महीने में रिलायंस जियो ने 35 लाख से ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स अपने नेटवर्क से जोड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों को नहीं मिलेगी अब सरकारी नौकरी, सरकार ने उठाया सख्त कदम। जी हां, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे लोगों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और ना ही उनका पासपोर्ट बन पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पत्थरबाज अब कभी विदेश नहीं जा पाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई तैराक ने रचा इतिहास, बनी एक ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट। जी हां, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक एम्मा मकियोन ने रविवार की सुबह इतिहास बना दिया। वह एक ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। एम्मा ने टोक्यो ओलंपिक में 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 4x100 मीटर के रिले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन अमेरिका की टीम को हराते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस पदक के साथ ही एम्मा ने इतिहास भी बनाया है। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कुंथौजम भाजपा में हुए शामिल। जी हां, मणिपुर कांग्रेस छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद गोविंद दास कुंथौजम आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और संबित पात्रा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बालूनी ने आज सुबह ही घोषणा की थी कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवा पार्टी में शामिल होगा। कानपुर में रहने वाले हर विदेशी नागरिक की होगी जांच, पुलिस ने जारी की अधिसूचना। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद से ही कानपुर में आतंकी कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद से अब कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि ये आदेश कानपुर कमिश्नर असीम अरुण की तरफ से दिया गया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।